संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगो सीतासमारो पितवाम भागम पाणो महासा यकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम श्री जानकी जी वन राम चंद्र निशाचरारे भरताग्रजेश जिहवे पिबस्वा अमृतमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति लीला मनुष्या कृतिराम रूप तापदासी कृत सर्वभूप जिहवे पिबत्स्वा अमृतमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा अमृतमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुवर बिमल यश जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार मनोजवं मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियंबु
धीमतांबरेष्टम् वातात्मजं वा नरयोथ मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् रामचरित कथा ज्ञान यज्ञ के आठवें सत्र में उपस्थित सर्व भक्तजन श्रोतागण और महानुभाव का हार्दिक स्वागत करते हैं। कल के सत्र में हमने सुना कि भगवान रामचंद्र का जन्म होने के पश्चात अयोध्या में किस प्रकार से एक सुंदर उत्सव का वातावरण निर्मित हो गया और ये उत्सव एक महीने तक चला, और उसके बाद जो संस्कार का उत्सव होता है या संस्कार के लिए जो विधियां होती है वो सारे संस्कार भगवान राम सहित ये जो तीनों भाई है ये तीनों भाइयों के लिए प्रयुक्त किया गया। भगवान भी इन संस्कारों का बहुत अच्छे से आनंद लेते हैं और भगवान का अवतार ही इस संसार के जीवों को शिक्षा देने के लिए हुआ है। श्री हनुमान जी महाराज श्रीमद् भागवतम में भगवान राम की स्तुति करते हुए कहते हैं, मर्त्य अवतार मर्त्य शिक्षणम। इस मृत्यु लोक में मृत्यु को प्राप्त ये जो जीव है इनको शिक्षा देने के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ है, और इन सारे संस्कारों को संपन्न करके भगवान ने ये शिक्षा प्रचलित की कि कुछ भी हो जाए लेकिन व्यक्ति को अपने संस्कारों से विचलित नहीं होना चाहिए। हालांकि भगवान को कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी कविराज गोस्वामी कहते हैं, आपनी आचरेति प्रभु जग तेर सिखाए। अपने आचरण के द्वारा इस संसार को शिक्षा देना ये भगवान का एक स्वभाव होता है। खासकर राम अवतार जब वह मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं, तो जैसे ही भगवान इन संस्कारों से संपन्न होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो अपने वडिल गुरुजन माता पिता का खूब आदर करते हैं। सबके साथ भगवान का एक स्नेह संबंध बना हुआ है, और बाल्य लीलाओं में कागभुशुंडी जी के साथ उनका एक बहुत सुंदर संबंध निर्मित होता है। और भगवान राम जब तक 5 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक वह कागभुशुंडी जी के साथ खेलते हैं और उनके साथ अपनी अनेक बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। भगवान इस बाल लीलाओं में अपने उदार चरित्र का भी एक प्रमाण देते हुए वह कागभुशुंडी जी के लिए अपने हाथों से कुछ प्रसाद जो है वह नीचे गिराते हैं ताकि उनको भगवान की कृपा प्राप्त हो सके, और इसी का अनुकरण बाकी के तीनों भाई भी करते हैं। भगवान की शयन की लीला भी बहुत अद्भुत है।
बिना लखन के और माता कैकेयी के भगवान सोते नहीं है, तो उसी प्रकार से भरत जी और शत्रुघ्न जी भी माता कौशल्या के बिना नहीं सोते हैं। तो इस प्रकार से माताओं को आनंद प्रदान करते हुए धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। भगवान ने माता कौशल्या को अपने विश्व रूप का दर्शन भी करवाया। दोनों जगह एक साथ भोग ग्रहण करने की जो लीला भगवान ने की, और उसी लीला के अंतर्गत भगवान ये परिचय भी देते हैं कि मैं केवल आपका पुत्र नहीं हूं, मैं ईश्वर भी हूं। और इसी प्रकार से बहुत सुंदर ये बाल्य लीला चल रही थी। फिर मुंडन संस्कार, उसके बाद कर्णवेद संस्कार, और कर्णवेद संस्कार करने के बाद तीनों माताएं अपने चारों पुत्रों के लिए सुंदर सुंदर आभूषण की तैयारी में लग जाती है। और इसी प्रकार से मान लो स्वयं आनंद ही अयोध्या में मूर्तिमंत रूप लेकर प्रकट हो गया है, इस प्रकार का अद्भुत वातावरण निर्मित हुआ है। इसी लीला को आगे अनुसंधान करते हुए आचार्य गण कहते हैं कि ये जो चारों पुत्र थे, इन चारों का भोजन भी एक समान था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। तो भोजन करने के लिए जब राजा उनको बुलाते हैं, महाराज दशरथ उनको बुलाते हैं, तो वह अपने बाल सखाओं का जो समाज है उनको छोड़कर वह भोजन के लिए नहीं आना चाहते हैं। देखिए, भोजन की व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी कि महाराज दशरथ जब भोजन करने के लिए बैठते थे तो इन चारों कुमारों को अपने साथ बिठाते थे, तीनों रानियों को अपने साथ बिठाते थे। और महाराज दशरथ का इन कुमारों को बुलाना, ये वास्तव में इन कुमारों के प्रति अपना प्रेम व्यक्त होने की लीला है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो मन से, वाणी से और कर्म से अगोचर है, यानी कि मन, वचन और कर्म से जिसको न जाना जा सकता है, न देखा जा सकता है, वही ब्रह्म, परब्रह्म भगवान आज महाराज दशरथ के अंगने में विचरण कर रहे हैं। और जब उनको बुलाया जाता है तो खेल छोड़कर आने के लिए तैयार नहीं है। मोटा मोटी यदि ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ये चीज यहां पर है कि बच्चों को खेलने में इतनी रुचि होती है कि उसको भोजन के लिए भी यदि बुलाया जाए तो वह खेल छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये बालकों का एक सहज एक लक्षण है। और भगवान भी अभी बाल लीला कर रहे हैं तो वो भी अपने इन लक्षणों को यहां पर प्रकट करते हैं। तो प्रेम दोनों में है, जैसे महाराज दशरथ का प्रेम इन कुमारों में है, ऐसे ही इन कुमारों का प्रेम राजा के प्रति है। तो महाराज का यह क्रम था कि वह पहले राम को भोजन कराते थे, उसके बाद वह खुद भोजन करते थे। और बाल सहज स्वभाव है, प्रभु राम खाना नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी मन खेल में है, तो वो भागना चाहते हैं कि कब जाकर हम खेलें और फिर बाद में भोजन करेंगे। लेकिन महाराज दशरथ बहुत जोर लगाकर कहते थे कि नहीं, खाना पड़ेगा तुम्हें, उसके बाद ही तुम्हें खेलने के लिए अनुमति दी जाएगी। तो इसलिए जोर दे रहे थे खाने पर, क्योंकि वह भाग ना सके, नहीं तो थोड़ा भी यदि ढीला छोड़ा जाएगा तो बच्चे तो ये मौका ढूंढते हैं कि कब हमको चांस मिले और हम भोजन छोड़कर खेलने के लिए चले जाए।
यहां पर हमारे आचार्य गण इस चौपाई की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि महाराज दशरथ जो है ये ज्ञान स्वरूप है और जो माता कौशल्या है ये भक्ति स्वरूपा है। ज्ञान से भगवान को पकड़ना बहुत मुश्किल है और जो भगवान ज्ञान से पकड़ में नहीं आते हैं ना वो भक्ति से बहुत सहज पकड़ में आ जाते हैं। और इसलिए शास्त्रों में देखिए बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े योगी जो अपने ध्यान से अपने मन से भगवान को नहीं पकड़ पाते हैं वही भगवान अपने भक्तों के यहां नौकर भी बन जाते हैं। और श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 6 लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भक्ति का एक लक्षण है सर्व आकर्षणी। ये भक्ति है ना ये सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। किस किस को आकर्षित करती है तो कहते हैं सभी को। सभी का अर्थ है ब्रह्मांड के भीतर जितने भी जीव है इन सबको ये भक्ति अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और इनसे भी आगे बढ़कर भागवत महात्मय में श्री सुत गोस्वामी कहते हैं कि ये भक्ति भगवान को इतनी प्रिय है कि भगवान अपना वैकुंठ लोक छोड़कर उन भक्तों के बीच प्रकट हो जाते हैं जहां पर भक्ति युक्त हृदय से भक्त भगवान के नाम रूप गुण और लीला की चर्चा करते हैं। तो वैकुंठ में स्थित भगवान को भी जो इस पृथ्वी पर खींच कर ले आती है ये भक्ति महारानी का स्वरूप है। इसलिए यहां पर कौशल्या जी की उपमा भक्ति से दी जा रही है। कभी कभी ऐसा होता था कि महाराज दशरथ जब बुलाने जाते थे तो भगवान आते नहीं थे लेकिन जब कौशल्या जी बुलाने जाती थी तो तुरंत आ जाते थे। तो भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर होता है इसको समझाते हुए श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे बंदर का बच्चा होता है वह जब बंदर को पकड़ता है तब उसे गिरने का भय रहता है। मान लीजिए बंदर को कहीं कूदना है अपने बच्चे को साथ लेकर कूदना है तो आप वृंदावन में देखे होंगे कि बंदर की पीठ के ऊपर उसका बच्चा चिपक जाता है और फिर बंदर जब छलांग लगाता है तो वो बच्चे के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कितनी जोर से पकड़ा है। यदि पकड़ थोड़ी भी ढीली है तो वह बच्चा तुरंत नीचे गिर सकता है उसमें गिरने का भय रहता है। ये ज्ञान मार्ग है। और भक्ति मार्ग क्या है तो भक्ति मार्ग के विषय में कहते हैं कि एक बिल्ली अपने बच्चे को जिस प्रकार से पकड़ती है अब आप सबने ये तो देखा ही होगा कि बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़ती है और इसमें पकड़ बिल्ली की होती है बच्चे की नहीं तो इसलिए इसमें बच्चे को गिरने का बिल्कुल भय नहीं होता है। यह भक्ति मार्ग है यानी कि ज्ञान मार्ग में साधक को गिरने का भय हमेशा रहता है लेकिन भक्ति मार्ग में साधक के गिरने का कभी खतरा नहीं रहता है क्योंकि ज्ञान मार्ग में साधक अपने प्रयास से भगवान को पकड़ने का प्रयत्न करता है जबकि भक्ति मार्ग में स्वयं भगवान अपने भक्त को पकड़ के रखते हैं। भक्त गिरना भी चाहे फिर भी भगवान उसे गिरने नहीं देते हैं। ये उनकी एक बहुत सुंदर कृपा होती है साधकों के ऊपर। तो इस लीला के माध्यम से भगवान अपने भक्त और भक्ति की श्रेष्ठता को यहां पर प्रस्तुत करते हैं। राजा खड़े खड़े बुला रहे हैं लेकिन वो कुमारों के पीछे नहीं भाग रहे और वो भाग भी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो राजा है ना और पिता भी है तो माता और पिता के स्नेह की यदि तुलना की जाए तो ऐसे कोई अंतर नहीं है लेकिन स्नेह प्रदर्शन में माताओं की जो कुशलता होती है जो एक्सपर्ट होती है माताएं उतने पिता एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो महाराज खड़े खड़े बुला रहे वो नहीं जा पा रहे लेकिन कौशल्या जी
उन बच्चों के पीछे भागती है और भागकर उन बच्चों को पकड़ लेती है और पकड़ के उनको भोजन के लिए ला रही है। इसमें भगवान अपनी माताओं को वात्सल्य सुख का आनंद दे रहे हैं और खुद भी उस सुख का आनंद उठा रहे हैं। और इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई। निगम ने ति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हठि धावा, ताही धरे जननी हठि धावा। कहते हैं कौशल्या जी जब बुलाने जाती है तो प्रभु ठुमक ठुमक कर उनकी ओर दौड़ते हैं। और वेद जी से नेति नेति कहता है न इति, यदि कोई कहे भगवान ऐसे है तो वेद कहता है न इति, कहते नहीं भगवान ऐसे है तो कहते न इति, इसी को कहते हैं नेति, ऐसे नहीं है भगवान, ऐसे नहीं है। तो ऐसा करते करते जब वेद भी थक जाते हैं, इस भगवान का अंत नहीं पाते हैं, स्वयं भगवान शिव भी जिनका पार नहीं पाते हैं, वह अपनी माता को पकड़ने के लिए इस प्रकार से उनके पीछे भाग रहे हैं। फिर जब आते हैं भगवान तो राम को अपनी गोद में बिठाते हैं और गोद में बिठाकर कुछ निवाले जैसे खिलाते हैं। लेकिन भगवान राम भी इतने चपल है कि वो मौका देखते हैं थोड़ा भी तो कभी महाराज दशरथ की गोद से, कभी माता कौशल्या की गोद से, अवसर मिलते ही वह भाग जाते हैं अपने जो बाल सखा है, जो मित्र है, उनके साथ खेलने के लिए। तो ये बालक बनने का जो सौभाग्य है ये भगवान को प्रकट लीला में ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भगवान जो अपना नित्य धाम है उस नित्य धाम में वो युवान रूप में रहते हैं, नित्य यौवन रहता है। इसलिए हमारे गौड़ीय आचार्यों ने भगवान की अप्रकट लीला से भी ज्यादा प्रकट लीलाओं को महत्व दिया है, क्योंकि प्रकट लीला इतनी महत्वपूर्ण है जो भगवान के धाम में भी नहीं होती है वो लीला यहां पर होती है। पर इसलिए ये लीलाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कविराज गोस्वामी कहते हैं, माता मोर पुत्र भावे करे न बंधन, अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन। मैं जब पुत्र बनकर आता हूं और कोई भक्त जब मेरी मां बनकर यहां प्रकट होते हैं तो मुझसे ऐसा प्रेम करते हैं कि वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, केवल अपना पुत्र मानकर मुझे वो वात्सल्य रस का आस्वादन करवाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने माता पिता के साथ इस वात्सल्य सुख का आनंद उठा रहे हैं। इसके आगे अब गोस्वामी जी उपनयन संस्कारों का वर्णन करते हैं। उपनयन संस्कार में क्या होता है? बच्चों को जनोई प्रदान की जाती है और ये संस्कार जब होता है वो किस समय पर होता है? बच्चे जब 7 साल के हो जाते हैं तब ये उपनयन संस्कार किया जाता है और उसके बाद उनको गुरुकुल शिक्षा के लिए भेजा जाता है। तो उपनयन संस्कार में एक होता है जनोई विधि, दूसरा होता है कि पुत्र चाहे राजा का हो या चाहे किसी और का, उसको भिक्षा मांगना अति आवश्यक होता है। जैसे दीक्षा विधि में होता है ना, वो लोग जब दीक्षा ग्रहण करते हैं तो कितना भी करोड़पति आदमी हो या रोड़पति, भिक्षा सबको मांगना होता है अपने गुरु महाराज के लिए। तो उसी प्रकार से अब ये चारों भाई भिक्षा मांगने के लिए निकले हैं, सबसे पहले अपने माताओं से, फिर पिताजी से, फिर ये जो अयोध्या नगरी है अयोध्या के नगरवासियों से भिक्षा लेने गए हैं। सोचिए जो अवधवासी इन कुमारों से इतना प्रेम करते हैं
अब उनको जब इन कुमारों को भिक्षा देनी है तो देने में उन्होंने क्या कमी रखी होगी सोचिए। इसका अर्थ है अच्छे से अच्छी चीजें उन्होंने इन कुमारों को भिक्षा में प्रदान की, और ये सारी भिक्षा एकत्र करके लाकर वशिष्ठ जी के चरणों में रख दी। वशिष्ठ जी ने कहा इन सारी भिक्षाओं को ब्राह्मणों में वितरित किया जाए। उन्होंने स्वयं नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गाय थी, और वशिष्ठ जी इतने संपन्न थे, वो कामधेनु की जो पुत्री नंदिनी, उसको भी कामधेनु ही कहा जाता है, ऐसी गाय थी जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो वशिष्ठ जी के मन में तो कोई लालच थी नहीं, कोई इच्छा शेष नहीं थी, इसलिए उन्होंने सभी ब्राह्मणों में ये सारी चीजों का वितरण करवा दिया। उसके बाद चारों भाइयों का विद्या अध्ययन संस्कार यानी कि गुरुकुल जाने का समय आ गया। तो ये तो दशरथ जी के लिए और तीनों माताओं के लिए सबसे कठिन समय था, क्योंकि जिनके पीछे न रात देखते थे न दिन देखते थे, इतना प्रेम करने वाले ये चारों कुमार अब ये चले जाएंगे और कुछ सालों के बाद वह वापस लौटेंगे, और तब तक इनका दर्शन भी नहीं होगा इन लोगों। तो सोचिए जिस व्यक्ति से इतना प्रेम करते हैं और वह प्रेम करने वाला व्यक्तित्व ही कुछ समय के लिए दूर हो जाए तो प्रेमियों की क्या दशा होती है। ये तो जो प्रेम करता है उसी को पता चलता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रेम का प्राकट्य किया तो महाप्रभु ने कहा नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। एक तो यह प्रेम आंसू बनकर निकल जाता है, और दूसरा युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितम, एक क्षण भी एक युग के समान प्रतीत होती है। और क्यों ना हो, जिनका पुत्र स्वयं भगवान है उनके लिए विरह की तो क्या बात कही जाए। गोस्वामी जी कहते हैं भये कुमार जब ही सब भ्राता दीन जने वो गुरु पितु माता गुरु गृह गए पठन रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। कहते हैं भय कुमार जब ही सब भ्राता, जब ये कुमार अवस्था को प्राप्त हुए हैं तब उन्हें जनोई प्रदान किया गया और वह गुरु के गृह गए। आज के जैसी सुविधा नहीं थी कि बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे दोपहर में वापस आते, या दोपहर में स्कूल जाएंगे शाम को वापस आएंगे। वहां पर वैदिक युग में बच्चे अपने घर का त्याग करके गुरु जी के आश्रम में जाते थे, और वहां पर वह 25 साल के जब न हो जाए तब तक विद्या अभ्यास करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और बहुत सुंदर गुरु से शिक्षा प्राप्त करते रहते थे, सादा जीवन जीते थे, चाहे राजा का पुत्र हो या ब्राह्मण का हो या रंक हो, सबको एक ही समान व्यवस्था, एक ही समान सुविधा और एक ही समान नियमों का पालन करना होता था। तो विद्या प्राप्त करने की ये हमारी वैदिक परंपरा है। जब अंग्रेज लोग आए भारत में उससे पहले पहले भारत में भी लाखों गुरुकुल थे, और ये गुरुकुल जो है यही हमारे समाज का सबसे बड़ा आधार था। भारतवर्ष में बहुत सुंदर व्यक्तित्व संपन्न लोग थे, इसका कारण था ये गुरुकुल। भारत के लोगों का पतन कब शुरू हुआ, जब ये गुरुकुल बंद करके अभी ये मॉडर्न शिक्षा जब अप्लाई की गई तभी से इन भारतवर्ष का पतन आरंभ हो चुका है। क्यों? क्योंकि वैदिक गुरुकुल में एक व्यक्ति के जीवन में जो उचित है, कैसे जीवन जीना है, बिजनेस कैसे करना है, समाज को कैसे उपयोगी होना है, हमारा धर्म क्या है, कर्तव्य, ये सारी बातें गुरुकुल में सीखते थे।
और अपना चरित्र इतना सुंदर बनाते थे कि ये सारे लोग मिलकर एक सुंदर समाज का निर्माण करते थे। लेकिन जब से ये पद्धति नष्ट हुई है, तब से मनुष्य की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि लोग केवल खाने पीने, स्त्रियों के साथ घूमने या धन कमाने के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं है। यही उनके जीवन का उद्देश्य बन चुका है। और क्यों न बने, क्योंकि आज जो स्कूल है, जो कॉलेज है, उसमें यही सिखाया जाता है कि आप पाप करने में आप एक्सपर्ट कितने बन सकते हैं। फिर कहीं कहीं श्रील प्रभुपाद जी की यह कृपा रही है कि जिस व्यक्तियों को अभी के समय में ये जो कृष्ण भावनामृत प्राप्त हुआ है, वो इन कली के सारे दोषों से मुक्त रहते हैं और बड़े प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और मान लीजिए अभी के समय में यदि प्रभुपाद जी नहीं होते, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे जीवन की क्या दशा होती। फिर भी भगवान ये शिक्षा देते हैं कि पढ़ना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोगों का जीवन बहुत कष्टदायक होता है। विद्या चाहे वैदिक हो या मॉडर्न हो, पढ़ना तो पड़ेगा। मान लीजिए अभी ये जो सारी भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत है, इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, यदि हमें भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा तो हम ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे। हमें मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं होगा तो हम लेन देन कैसे करेंगे। तो यदि अच्छे से जीना है तो हमारे लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा भी नहीं है कि जो पढ़ते नहीं है उनका जीवन बिल्कुल बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकते, ये बात भी सत्य नहीं है। जो नहीं पढ़ने वाले लोग हैं, वो भी पढ़े लिखे लोगों से कहीं ज्यादा अच्छा जीवन जीते हैं। गुजरात में तो इसके ज्वलंत उदाहरण है, बाहर का तो हमें पता नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जब राय रामानंद जी को पूछा गया कि वास्तव में विद्या क्या है, तब राय रामानंद जी कहते हैं, भगवान कृष्ण के विषय में जो ज्ञान प्रदान करे वही संसार में असली विद्या है, इसके अलावा सब अविद्या है। तो यह शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी शिक्षा ही अच्छे समाज का आधार होती है। गोस्वामी जी कहे, जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़े यह कौतुक भारी। जिनके श्वास निकालने मात्र से वेद प्रकट हो जाते हैं, ऐसे हरि, ऐसे भगवान गुरुकुल में जाकर उसी वेद को पढ़ेंगे, ये तो बहुत भारी आश्चर्य है। और गोस्वामी जी को बिना आश्चर्य के तो ये चौपाई आगे बढ़ा ही नहीं सकते थे, क्योंकि वेद भगवान से प्रकट होते हैं ना। जैसे भागवत में कहा गया है, वेदो साक्षात नारायण। और उसकी क्या बात करें, भगवान का जो वाहन है गरुड़, उस गरुड़ के पंख से भी सामवेद की ध्वनि निकलती है, भगवान का जो वाहन है। तो यहां पर गुरु की महत्ता को स्थापित करने के लिए भगवान आचरण करते हुए बताते हैं कि गुरु को धारण करने से पूर्व गुरु तत्व को जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें चलना है। लेकिन आजकल जो ठग गुरु आ चुके हैं, उनसे हमें बचना है। कोई कोई लोग कई बार ये प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी, हमें सही गुरु कैसे प्राप्त होंगे, क्या करेंगे तो सही गुरु मिलेंगे। सही गुरु प्राप्त करने के लिए केवल हमारी इच्छा सही होनी चाहिए, बस। यदि हम इच्छा करते हैं कि हम सही गुरु को पाना चाहते हैं, तो हमारे हृदय स्थित जो परमात्मा है, ये कहीं से भी घुमा फिरा कर हमें असली गुरु की शरण में लाके रख देंगे। और यही सत्य बात है। और जो लोग पाखंडी गुरुयोग को चाहते हैं, तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि ठगों से सावधान रहिए, जो ठगने वाले लोग हैं। और ये मत समझिए कि ठगने वाले केवल बाहर ही होते हैं, कभी कभी वह भक्त के वेश में भी हमारे साथ ठगी करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वह अपने शिष्यों को
दुर्गति के मार्ग पर भेज देते हैं। ऐसे गुरुओं से निश्चित सावधान रहना चाहिए। यदि हम सही जिज्ञासा करेंगे, सही इच्छा करते हैं, तो हमें सही गुरु प्राप्त हो जाते हैं और वो हमें साधना का मार्ग दिखाते हैं, साधना कैसे करनी चाहिए। और जैसे हम उस साधना की पूर्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं, तब जाकर हमें सद्गुरु की प्राप्ति होती है। और ये सद्गुरु वो व्यक्ति है जो हमें भगवान की प्राप्ति कराते हैं। यही हमारे गुरु कभी कभी सद्गुरु के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और ये कोई सद्गुरु ही होता है जो हमें प्रेम देता है। लेकिन साधना हमें करनी पड़ेगी, और साधना की पूर्णता जब होती है तब ये सद्गुरु की प्राप्ति होती है। मान लीजिए हमारे ही गुरु यदि योग्य है तो वही सद्गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, नहीं तो नारद मुनि है, सुखदेव जी है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, ये भी सद्गुरु के रूप में कार्य करते हैं और ये भगवान के विषय में हमें ज्ञान देते हैं, प्रेम देते हैं और भगवान का दर्शन कराते हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आत्मा का जो कल्याण करना चाहते हैं, जिसके हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, उसे यह जान लेना चाहिए गुरु तत्व। और इसलिए प्रतिदिन सुबह हमारी प्रार्थनाओं का आरंभ होता है उन गुरु की वंदना करते हुए, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ऐसे महापुरुषों की चरण वंदना हमें भगवान तक ले जाती है। तो भगवान राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में आ चुके हैं, बहुत सुंदर भगवान का अध्ययन चल रहा है। तो वशिष्ठ जी के आश्रम में उनकी एक पुत्र वधु थी जिसका नाम था अदृश्यंती। इसका नाम था अदृश्यंती, उसी प्रकार से उसके गुण थे, वह किसी को दिखती नहीं थी। इस संसार के जितने भी पुरुष हैं, उन सारे पुरुषों के लिए ये अदृश्य थी, कोई पर पुरुष उसे देख नहीं सकता था, केवल वशिष्ठ जी उन्हें देख सकते थे कभी कभी जब उनकी इच्छा होती है, नहीं तो वशिष्ठ जी के लिए भी ये अदृश्य रहती है। लेकिन ये जो चार कुमार थे, इन चारों कुमारों के सामने ये प्रकट रहती थी, और ये चारों कुमार ये अदृश्यंती को प्रतिदिन प्रणाम करते थे और ये उन्हें आशीर्वाद देती थी। तो इसमें और किसी को तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये प्रणाम की जो लीला भगवान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरु जितने प्रणम्य होते हैं, गुरु से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं ना, वो भी उतने ही प्रणम्य होते हैं। जैसे गुरु की पत्नी है तो गुरु के समान ही गुरु पत्नी का आदर करना चाहिए, जो हमारे लिए गुरु माता है। या गुरु के पुत्र है, गुरु की पुत्र वधु है, गुरु की पुत्री है, तो ये सभी जो व्यक्ति है ये हमारे लिए प्रणम्य होते हैं, हमें उसे प्रणाम करना चाहिए। तो यहां पर अदृश्यंती को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि ये चारों कुमार जो है ये आके उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके पौत्र को था, अदृश्यंती का जो पुत्र था। तो ये चारों कुमार उसे भी प्रणाम करते थे, तो ये उसको अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उम्र में ये चारों कुमारों से वह छोटा था, फिर भी ये तो भगवान है ना, और उनको प्रणाम करे तो ये चीज उनको अच्छी नहीं लग रही थी। और गुरुकुल में एक चीज ये है कि उसमें सिर श्रृंगार वर्जित होता है, यानी कि अपने मस्तक, अपने बालों का श्रृंगार, इसके लिए गुरुकुल में कोई अनुमति नहीं होती है। और ये जो कुमार थे उनको जरूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि स्वयं ही इतने सुंदर थे, इतने दिव्य थे कि उनको अलग से कोई श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं रहती थी। और वशिष्ठ जी भी, ऐसे तो गुरु का कर्तव्य होता है कि सभी शिष्यों से समान प्रेम करे, लेकिन यहां भगवत स्वरूप है ना, शिष्य है लेकिन स्वयं भगवान भी तो है, और इसलिए वशिष्ठ जी उनको किसी भी सेवा में नहीं लगाना चाहते थे। आश्रम में सभी बच्चों को कुछ ना कुछ सेवा मिलती,
लेकिन राम को खासकर वशिष्ठ जी कोई सेवा नहीं देते थे। और जब सारे बच्चे शयन के समय, सबका नियम होता था कि आज ये बच्चे गुरु जी की चरण सेवा करेंगे, आज कुछ और बच्चे गुरु जी की चरण सेवा करेंगे, तो भगवान राम और ये उनके तीनों भाई हैं, इनके लिए अवसर कभी नहीं आता था। तो भगवान को तो पता चल गया कि गुरु जी हमें सेवा नहीं दे रहे अपनी चरण सेवा, तो चारों कुमार जाकर अपने गुरु से विनंती करते थे कि गुरुदेव हमें भी आपकी चरण सेवा का अवसर प्रदान करें। तो वशिष्ठ जी के पास कोई कारण नहीं था मना करने के लिए, तो उनकी इच्छा तो नहीं थी, पर ठीक है आप लोग भी थोड़ा चरण सेवा कर लो। और थोड़ी देर जब वो चरण दबाते तो वशिष्ठ जी कहते थे कि अब हो गया, तो आप लोग जाइए और सो जाइए। तो एक कुमार कुछ भी करना चाहते थे, तो उनके जो सहपाठी थे, उनके जो मित्र थे साथ में गुरुकुल में जो पढ़ते थे, ये सभी बच्चे उनका कार्य कर देते, उनकी सेवा कर देते थे। और कुछ कुछ सेवा ऐसी थी जो नंदिनी उस आश्रम में थी, कामधेनु की पुत्री, वो माता नंदिनी भी इन चारों कुमारों की सेवा करती थी। तो जितने दिन ये चारों कुमार उस आश्रम में रहे, उस समय वशिष्ठ जी की जो प्रसन्नता थी, वो जितने आनंदित थे, खुश थे, इतने प्रसन्न पूरे जीवन में वह कभी नहीं हुए। और क्यों ना हो, जब आनंद घन पर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वयं ईश्वर जब उनके शिष्य बनकर आए हैं, तो उसके आनंद की तो क्या बात कही जाए। फिर भी भगवान ने सोचा बहुत ज्यादा दिन यहां नहीं रहना है, क्योंकि और भी लीलाएं करनी है। तो 64 दिन में भगवान ने सारी विद्याएं ग्रहण कर ली और फिर वहां से विदा ले लिया। गुरुकुल की एक बहुत सुंदर सिस्टम यह थी कि यहां पर स्टैंडर्ड नहीं होते थे, जैसे हमारे यहां ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे नहीं, यहां पर होता है कि जो योग्य व्यक्ति है वो आगे बढ़ेगा और जो अयोग्य है वो और ज्यादा पढ़ाई करेगा। तो इसलिए इसमें कुछ आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 64 दिन में भगवान कैसे निकल सकते हैं। तो गुरुकुल योग्यताओं के आधार पर चलता है, स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं। तो यहां पर 64 दिन में सभी विद्या ग्रहण करके भगवान वहां से विदा हो गए। और अवध में जब सबको पता चला कि प्रभु विद्या ग्रहण करके अब वापस आ रहे, तब अवध में तो उत्सव ही उत्सव। अब केवल 64 दिन भगवान को नहीं देखे हैं, तो जैसे अयोध्या का प्राण निकल गया था, ऐसे पूरी अयोध्या उदास हो गई थी। और अब जब पता चला कि प्रभु राम वापस आ रहे हैं, तब अवध में इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि राम बहुत युगों के बाद अभी अवध में वापस लौट रहे हैं। तो भगवान वापस आए, तीनों माताओं ने बहुत सुंदर इन चारों कुमारों का स्वागत किया। और गुरुकुल में तो वो सादे वेश में रहते थे, सादा जीवन उच्च विचार, ये गुरुकुल का मोटो होता था। तो आए, उनको बहुत सुंदर अभिषेक किया गया, उनको बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण से श्रृंगारित किया गया। और माताओं को लगा कि जितना प्रेम है वह सारा प्रेम आज ही इन चारों कुमारों पर लगा दे। तो इसी प्रकार से पूरे अवध में आनंद था। अब ये चारों भाई बहुत सुंदर अयोध्या में अपने माता पिता के साथ कुछ लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे इनकी उम्र बड़ी होती गई और इनकी उम्र जब 16 साल की हुई, उस समय महाराज दशरथ के मन में यह विचार आया कि अब इन चारों भाइयों का विवाह कर देना चाहिए। तो महाराज वशिष्ठ जी से विवाह के संबंधित कुछ चर्चा कर रहे थे, अपने मंत्रीगण थे और भी ब्राह्मण थे पुरोहित, तो उन सब के साथ वो डिस्कशन कर रहे थे कि हमें विवाह के लिए अभी कुछ विचार करना चाहिए, क्योंकि कन्या देखेंगे, विवाह होगा तो काफी समय निकल जाएगा। तो 16 साल उस समय उचित उम्र मानी जाती थी विवाह के लिए, आजकल तो बाल विवाह करके इसको टाल दिया जाता है। देखिए, एक बहुत भारी षड्यंत्र के चलते हमारे शास्त्रों की ये जो सारी मर्यादाएं हैं,
उनको भारतवर्ष में अंधश्रद्धा का नाम दिया गया है, या तो फिर वैदिक सनातन धर्म के ऊपर कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि शास्त्र में लिखी गई कोई भी परंपरा या रीति, इसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। हो सकता है कि हम उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं है। जैसे ये 16 साल की उम्र में विवाह, इसके पीछे क्या कारण है? मान लीजिए 16 साल की उम्र में किसी का विवाह यदि कर दिया गया, तो इसके मन में पहले से निश्चय रहता है कि मेरा विवाह इसी स्त्री या ये कन्या के साथ होने वाला है, तो उसका मन कभी अन्य कन्याओं में नहीं जाता था। जब तक उस कन्या की अवस्था परिपक्व नहीं हो जाती थी, तब तक वह अपने पिता के घर में निवास करती थी। फिर वो ससुर जी के घर में उसका आगमन होता था, तो ये व्यभिचार को रोकने के लिए हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई ये परंपरा थी। और जैसे ही इस परंपरा को नष्ट किया गया बाल विवाह के नाम पर, बाल विवाह का उद्देश्य तो इन पढ़े लिखे मूर्खों को पता नहीं था और कहने लगे नहीं ये बिल्कुल अनुचित है, अंधश्रद्धा है, निकाल दिया। और व्यभिचार की आज क्या दशा है आप सब परिचित है पूरे विश्व में। तो इसी प्रकार से अयोध्या में भगवान के विवाह की चर्चा चल रही है। उसी समय वहां पर विश्वामित्र जी का आगमन होता है और विश्वामित्र जी वहां पर आते हैं। तब विश्वामित्र जी कुछ आशा लेकर आए थे मन में, उनकी कुछ इच्छाएं थी और उनको लगा था कि अयोध्या में मेरी ये इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो विश्वामित्र जी का प्रसंग यहां से आरंभ होता है। वाल्मीकि जी ने भी इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन हम लोग उतने विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि विश्वामित्र जी के विषय में उनकी कथा, फिर उनके बाद अनेकों राजाओं की कथा वहां पर भगवान राम को सुनाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ मुख्य मुख्य कथाएं जो है, उसी कथाओं को लेकर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो विश्वामित्र जी का जन्म कैसे हुआ, ये थोड़ा संक्षिप्त परिचय हम उनका प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मा जी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कुश, और कुश का पुत्र हुआ कुशनाभ, और कुशनाभ का एक पुत्र हुआ गाधी। देखिए मैं अभी केवल इन लोगों का नाम ले रहा हूं यहां पर, लेकिन वाल्मीकि जी ने इनके पूरे चरित्रों का वर्णन किया है। और ये गाधी की एक पुत्री हुई जिसका नाम था सत्यवती। ये सत्यवती का विवाह रुचिक नामक प्रजापति के साथ हुआ और उन्होंने पुत्र के लिए एक यज्ञ किया। अब ये यज्ञ जब चल रहा था तो सत्यवती की जो माता थी उनको भी पुत्र की कामना हो गई और उन्होंने अपने जो दामाद जी थे उनको कहा कि मुझे भी एक पुत्र चाहिए। तो ये जो रुचिक प्रजापति है उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो चरु तैयार किए और ये सत्यवती को दिया कि ये आपकी माता को देना है और ये आपको लेना है। अब माता की बुद्धि कुछ दूषित हो गई और सत्यवती की माता सोचने लगी कि ये है तो मेरा दामाद और उसने दो चरु तैयार किया है, तो निश्चित रूप से एक चरु जो उसने अपनी पत्नी के लिए तैयार किया है वो अच्छा बनाया होगा और मेरे लिए जो है वो थोड़ा कम योग्यता वाला होगा। तो ये चरु की अदला बदली कर दी गई। सत्यवती को कहा उसकी माता ने कि तुम्हारा जो चरु है वो मैं लूंगी और मेरा चरु तुम ले लो। अब देखो इस प्रकार से जब ये चरु की अदला बदली हो गई तो सत्यवती को तो लगा कि अब चरु दोनों एक समान ही होंगे, तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन लिए बिना अदला बदली कर दी। जब रुचिक ऋषि को ये पता चला तब उन्होंने कहा कि राजा के यहां ऋषि पुत्र जन्म लेगा और ऋषि के यहां राजा का पुत्र जन्म लेगा। क्यों? क्योंकि ये चरु मैंने
उस वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप तैयार किया था। तो राजा विश्वामित्र जो है इनका राजा के रूप में जन्म हुआ था, और ये विश्वामित्र फिर आगे चलकर ब्रह्मर्षि बन गए। और ये जो ऋषि थे वहां पर जमदग्नि का जन्म हुआ, और जमदग्नि जिनको राजा बनना था लेकिन वो ऋषि बन गए। तो विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बने और ये वन में निवास कर रहे थे। तो वन में निवास करते करते उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था, और उस अनुष्ठान में बाधा डालने के लिए रावण के द्वारा भेजे गए दो असुर थे जिसका नाम था मारीच और सुबाहु। ये दोनों आते थे और विश्वामित्र जी के यज्ञ में कुछ रक्त और मांस डाल के उस यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। अब समस्या ये हुई, यदि हम विश्वामित्र जी का चरित्र देखें तो उनके पास सारे शस्त्र सारी विद्याएं थी, इन दोनों असुरों को मारने का पर्याप्त बल भी उनमें था, फिर भी उन्होंने इन असुरों का वध क्यों नहीं किया? इसका उत्तर देते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी चाहते तो इन दोनों को मार सकते थे, लेकिन ये जिस यज्ञ का अनुष्ठान करते थे उनकी सिद्धि के लिए ये आवश्यक था कि उसमें न किसी को शाप दिया जाए, न किसी के ऊपर क्रोध किया जाए, और यदि ऐसा हुआ तो वह सिद्धि उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकती थी। यज्ञ के जब 10 दिन शेष रहे थे और वो 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण थे, तब विश्वामित्र जी के मन में विचार आया कि मैं तो क्रोध कर नहीं सकता हूं, ना मैं शाप दे सकता हूं, इसलिए मुझे किसी राजा की सहायता लेनी चाहिए। और जैसे ही राजा की सहायता लेने का विचार किया तो उनको लगा कि अयोध्या से सुंदर स्थान और कौन हो सकता है, और भूत भविष्य वर्तमान ये सबको जानते थे विश्वामित्र जी, और इसलिए वो अयोध्या आए हैं। और अयोध्या में आते हैं गोस्वामी जी कहते हैं, जहां जप यज्ञ जोग मुनि कर रही, अति मारीच सुबाहु डर रही। ये मारीच और सुबाहु ऋषियों को बहुत परेशान करते थे, केवल विश्वामित्र जी को नहीं, और भी सारे जितने ऋषि मुनि थे वन में सबको। और तब सारे ऋषि मुनियों का दुख देखकर विश्वामित्र जी के हृदय में बहुत करुणा हुई, और तब उन्होंने विचार किया, तब मुनि पर बन किन ही बिचारा, प्रभु अवतरे हो हरन मही भारा। तब वो सोचते हैं कि अब इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है, क्यों ना उस भगवान को ही यहां पर लाया जाए। तब विश्वामित्र जी ये विचार करते हुए अयोध्या में आगमन करते हैं। महाराज दशरथ को जब पता चला कि विश्वामित्र जी यहां पर उपस्थित हुए हैं, तो वह अपने मंत्रियों के समेत उनके सामने उपस्थित हुए, उनको बैठने के लिए सुंदर आसन दिया, अर्घ्य इत्यादि आतिथ्य सत्कार की जितनी भी सामग्री है वो सब प्रदान करके विश्वामित्र जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उच्च से उच्च प्रकार का आतिथ्य सत्कार किया। और बहुत मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हुए महाराज दशरथ विश्वामित्र जी से कहते हैं, तब मन हरषि बचन कहराओ, मुनि अस कृपा न किन ही काओ, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाभ उभारा। महाराज दशरथ कहते हैं, कहे मुनि, ऐसी कृपा तो आपने आज तक अवध के ऊपर नहीं की है कि बिना कोई निमंत्रण बिना कुछ सूचना के आप आ जाए, आज आप हमारे अतिथि बने हैं, तो किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, और जिस भी कारण से आप यहां पर आए हैं उसे पूरा करने में मैं कोई संकोच नहीं करूंगा, थोड़ी भी राह नहीं देखूंगा, तुरंत ही आपको संतुष्ट करने का प्रयत्न करूंगा।
तो विश्वामित्र जी तो सबको जानते थे क्या होने वाला है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, यदि तुम मेरी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम संकल्प करो कि मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे प्रदान करोगे। तब महाराज दशरथ कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं सूर्यवंशी राजा हूं और सूर्यवंश के विषय में तो आप जानते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की यह रीत है कि वह अपने प्राणों को देकर भी अपने वचन की रक्षा करते हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर आप अपना उद्देश्य मेरे सामने प्रस्तुत करिए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देह रघुनाथा, निशिचर बध में होई सनाथा। कहते राजन, राक्षसों का ये जो समूह है ये मुझे बहुत परेशान करते हैं और इसलिए मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने के लिए आया हूं। तो महाराज दशरथ कहते हैं, महाराज बिना संकोच आप मांगिए। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, अनुज समेत देह रघुनाथा, अपने भाई लक्ष्मण के सहित मैं राम को ले जाना चाहता हूं और जब राम मेरे साथ आएंगे तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा और मैं सनात हो जाऊंगा। राम को ले जाने की बात जैसे ही महाराज दशरथ ने सुनी, वाल्मीकि जी लिखते हैं, महाराज दशरथ उसी समय मूर्छित होकर गिर पड़े और जैसे ही वह होश में आए तो विश्वामित्र जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज, आपने जिन असुरों का वर्णन किया है वह असुर कौन है और क्यों आपके यज्ञ में बाधा देते हैं, कृपया आप थोड़ा विस्तार से वर्णन करें तो मैं भी कुछ सोचने के लिए समर्थ हो जाऊं। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, मारीच और सुबाहु जो कि रावण के द्वारा भेजे हुए हैं। अब स्वयं रावण भी आकर यह काम कर सकता है लेकिन ये रावण को यह कार्य बहुत तुच्छ लगता है, इसलिए उसने अपने ये जो दो अनुचर है मारीच और सुबाहु इनको भेजा है। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि रावण के भेजे हुए व्यक्ति है तो मन में कुछ सोचने लगे और यहां विश्वामित्र जी कहते हैं कि आकर मेरे यज्ञ को दूषित करते हैं और मेरा जो व्रत है उसको परिपूर्ण नहीं होने देते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके ये दोनों पुत्र मेरे साथ आए और मेरे यज्ञ की रक्षा करें। तब महाराज दशरथ हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्रभु मेरा पुत्र अभी केवल 16 साल का है और ये राक्षस जो है उसकी तो बहुत बड़ी बड़ी शक्ति है, बहुत मायावी है और उसमें भी ये रावण के द्वारा भेजे हुए है। अब मैं क्या कहूं महाराज, रावण के सामने युद्ध में न देवता टिक पाते हैं, न गंधर्व, न नाग, किन्नर, ये कोई भी उनके सामने खड़े रहने में सक्षम नहीं है, तो फिर मेरे जैसा एक मनुष्य की क्या बात की जाए। और मेरी बात छोड़िए, मेरे ये जो पुत्र है ये भी तो मनुष्य है ना, और इनकी उम्र केवल 16 साल है और ना ही इनको युद्ध का कोई अनुभव है, ना ही युद्ध का कोई अभ्यास है, मैं किस तरह से आपके साथ इसको भेजूं। देखिए महाराज दशरथ रावण के साथ युद्ध करने के लिए अकेले ही परिपूर्ण है लेकिन भगवान राम के प्रति उनका जो प्रेम है वह प्रेम आज उसे रोक रहा है। देखो वचन दे चुके हैं विश्वामित्र जी को कि आप जो मांगोगे मैं दूंगा, फिर भी महाराज दशरथ को भय हो रहा है कि राम को कैसे दूं, वो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। तो राम को नहीं भेजने के लिए ये ऐसे जो वात्सल्य प्रेम से भरे हुए जो वचन है वो विश्वामित्र जी के सामने महाराज दशरथ बोलते हैं। वो कुछ ऐसा तर्क देते हैं विश्वामित्र जी को
कि जिससे विश्वामित्र जी कह दे कि हाँ ठीक है ये तो अभी बच्चे हैं तो इसको नहीं ले जा सकते। महाराज दशरथ ने सोचा कि विश्वामित्र जी हाँ या ना कर इससे पहले और एक तर्क प्रस्तुत कर देता, तो उन्होंने कहा महाराज मेरी संपूर्ण सेना मैं आपके साथ भेजता हूं, और केवल सेना नहीं सेना के साथ मैं भी चलूंगा आपके साथ, सेना में सबसे आगे रहकर मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, और आपके यज्ञ की रक्षा करते करते चाहे मेरी मृत्यु भी क्यों ना हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन राम को नहीं दूंगा मैं। विश्वामित्र जी ने जब यह सुना कि मैं राम को नहीं दूंगा तो विश्वामित्र जी दशरथ का भाव समझ गए, और विश्वामित्र जी थोड़ा क्रोध की मुद्रा में कहने लगे कि दशरथ क्या यही रघुकुल की रीति है वचन देकर फिर उसका पालन न करना, ऐसा राजा तो रघुकुल में कहीं अपेक्षित नहीं था, तुम्हारे मुख से ऐसे वचन ये अशोभनीय है। महाराज दशरथ कहते हैं कि मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं लेकिन वो योग्य नहीं है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपके ये जो दो पुत्र है ना ये सारे राक्षस सेनाओं का वध करने के लिए समर्थ है, मैं उनकी योग्यता जानता हूं। ए दशरथ तुम्हारे पुत्र राम को जितना तुम नहीं जानते हो उससे कहीं ज्यादा अधिक मैं जानता हूं ये राम कौन है, इसलिए तुम्हें तर्क देना बंद करो और जितना जल्दी हो सके अपने पुत्र को मेरे साथ भेजो। अब महाराज दशरथ ने जब यह सुना स्पष्ट मना कर दिया कि विश्वामित्र जी कुछ भी हो जाए लेकिन मैं राम को आपके साथ नहीं भेज सकता, आप कुछ और उपाय बताइए। वशिष्ठ जी को लगा कि अभी ये पूरा माहौल बिगड़ जाएगा, तो वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाते हुए कहा कि विश्वामित्र जी जो कह रहे हैं ना ये सत्य बात है, तुम्हारे पुत्र यदि उनके साथ जाएंगे तो पूरे संसार में उनका यश फैल जाएगा, विश्वामित्र जी की बात पर भरोसा करो इसमें संदेह मत करो। तो वशिष्ठ जी ने जब ये वचन कहे महाराज दशरथ से तो दशरथ जी ने अपना होश संभाला और बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान राम की बहुत स्तुति की है यहां पर विश्वामित्र, स्तुति का अर्थ है कि उनके भविष्य को लेकर जो कुछ बोले विश्वामित्र जी, उन सारी बातों को जब महाराज दशरथ ने सुना तो उनको विश्वास हो गया, और वशिष्ठ जी की बात सुनकर ये और विश्वास दृढ़ हो गया कि नहीं मेरे पुत्र बहुत शूरवीर है और उनका यश इस संसार में फैलेगा यदि मैं विश्वामित्र जी के साथ उनको भेजता हूं। तो महाराज दशरथ तैयार हो गए, दोनों पुत्रों को राजभवन में बुलाया गया, और उनके साथ जब ये दोनों पुत्र जाने के लिए तैयार हो गए तब दशरथ जी उनको कुछ शिक्षा देते हैं और कहते हैं आज से यही तुम्हारे गुरु है और जो विश्वामित्र जी कहते हैं वही तुम्हें पालन करना है, इनके अलावा तुम्हारे जीवन का अब और कोई उद्देश्य नहीं है। तो बहुत सुंदर अपने पुत्रों को शिक्षा देते हुए किस प्रकार से गुरु से व्यवहार करना है, किस प्रकार से विश्वामित्र जी की सेवा करनी है, तो ये सारी चीजें उनको सिखाकर उन्होंने विश्वामित्र जी के साथ इन दोनों भाइयों को विदा कर दिया। अब दोनों चलते चलते जा रहे हैं। अब देखो यहां से कथा का मोड़ कुछ इस प्रकार से है कि जब वह अयोध्या से चले तो सबसे पहले सरयू के तट पर पहुंचते हैं, और सरयू के तट पर पहुंचकर वहां पर स्नान करते हैं, स्नान और संध्या वंदन करते हैं। उसके बाद विश्वामित्र जी सरयू का इतिहास बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने हिमालय में एक बहुत सुंदर सरोवर का निर्माण किया था, और उसी सरोवर से ये जो सरयू नदी है इसकी उत्पत्ति हुई, और ये अयोध्या के निकट बहते बहते आगे चलकर गंगा जी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से सरयू नदी की सुंदर कथा बताई। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं तो वहां पर उन्होंने सोनभद्रा नदी है, सोनभद्रा नदी के तट पर कुछ समय तक वो रुके, और वहां पर कई हजारों हजारों साल से, कई हजारों लाखों वर्षों से कुछ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। तो
इन तीनों ने विचार किया कि उन ऋषियों को डिस्टर्ब ना किया जाए। तो वहां पर एक बहुत सुंदर आश्रम था, जिस आश्रम में भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, और बाद में वहां पर ये सारे ऋषि मुनि जो भगवान शिव के भक्त थे वो तपस्या कर रहे थे। उस ऋषि मुनियों को जब पता चला कि भगवान राम लक्ष्मण और स्वयं विश्वामित्र जी यहां पधारे हैं, तो उन्होंने अपनी तपस्या छोड़कर इन तीनों का बहुत सुंदर आतिथ्य सत्कार किया और उनको कहा कि एक रात्रि तक वो यहां पर विश्राम करें। तो तीनों के विश्राम के लिए बहुत सुंदर शयन की व्यवस्था की गई। फिर जो सोनभद्रा नदी है, उस नदी को पार करने के लिए दूसरे दिन सुबह एक सुंदर नौका की व्यवस्था की गई। और ऐसे दो दिन जब व्यतीत हुए उनकी यात्रा के, तब फिर वहां से आगे बढ़ते हुए जैसे सोनभद्रा नदी के सामने के तट पर गए, तो वहां पर क्या देखते हैं, वहां पर एक वन है लेकिन एकदम निर्जन है, उज्जड़ वन है। और ऐसे निर्जन उज्जड़ वन में न कोई पक्षी है, न पशु है, न मनुष्य है, कुछ भी नहीं। उस वन का निरीक्षण करते हुए भगवान राम ने विश्वामित्र जी से पूछा कि प्रभु, ये देखने में तो लगता है कि ये बहुत सुंदर नगर है, अर्थात पहले रहा होगा, अभी जिस प्रकार से दिखाई देता है, लेकिन अभी ये खंडहर की हालत में है, इसका क्या कारण है? तो वहां पर दो समृद्ध नगर थे और वह दोनों नगर देवताओं के द्वारा बसाए गए थे, लेकिन एक यक्ष से जब एक कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या का विवाह एक असुर के साथ हुआ और फिर उसको कैसे असुर भाव की प्राप्ति हो गई, तो ये सारी कथा विश्वामित्र जी ने भगवान राम को सुनाई और कहा कि ये जो कन्या थी उसका नाम था ताटका और इस वन का नाम है ताटका वन। तो ताटका की जो पूरी कथा थी वो कथा श्रवण कराते हुए विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा कि अब तुम्हें सावधान हो जाना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तुम्हें इस वन को ताटका के आतंक से मुक्त करवाना है। देखिए, भगवान कृष्ण की लीला में और राम जी की लीला में एक समानता यह है कि भगवान कृष्ण को भी सबसे पहले जिसको मारना था वो एक स्त्री थी, पूतना, जो कि भगवान जब 6 दिन के हुए तो ये पूतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई। यहां पर भगवान राम अब पहली बार जिनको मारने जा रहे हैं वो भी एक स्त्री है। तो एक प्रश्न होता है ना कि भगवान शुरुआत स्त्री से क्यों करते हैं? शायद अब देखो, भगवान तो सर्वज्ञ है, तो भगवान को पता है कि कलयुग में एक बहुत सुंदर कहावत है, लेडीज फर्स्ट। तो हो सकता है कि शायद उसी हिसाब से भगवान ने निश्चय किया हो कि स्त्रियों से शुरू किया जाए। लेकिन हमारे आचार्यगण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि स्त्री को सबसे पहले मारना, इसके पीछे भगवान का यह भाव है कि ये जितने भी असुर है इस संसार में, इन सारे असुरों की जो जननी है, जहां से असुरों की उत्पत्ति होती है, ये दोनों वो स्त्रियां हैं जो अधर्म पाप को जन्म देती है। और देखिए, गीता के आरंभ में भी अर्जुन ये कहते हैं, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णय जायते वर्ण संकर। स्त्री यदि दूषित हो जाती है तो वह वर्ण संकर संतानों को जन्म देती है। और भगवान ने सोचा कि ये दोनों दुष्ट स्त्रियां हैं जिनसे सारे असुर उत्पन्न होते हैं, तो क्यों न इन असुरों के उद्गम स्थान को ही पहले नष्ट कर दिया जाए, ताकि अब और नए असुर उत्पन्न न हो सके, और जितने हैं उनको तो आगे लीला करके मार ही देना है। तो इसलिए दोनों लीलाओं में भगवान ने एक स्त्री से अपनी लीला का शुभारंभ किया है। तो ताटका वन में जैसे ही वह प्रवेश कर रहे हैं तो ताटका को पता चल गया कि यहां पर कोई मनुष्य आया है।
और ताटका जैसे ही सामने आई, वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि ताटका को देखकर भगवान राम के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। अब ये करुणा निधान है ना भगवान, और ऊपर से सूर्यवंशी, तो उनको स्मरण में आया कि हमारे वंश का ये नियम है कि रघुवंशी कभी किसी स्त्री या बच्चों के ऊपर आघात नहीं करते हैं। तो भगवान ने ये सोच लिया कि इसको मारेंगे नहीं। तो ताटका ने देखा कि तीन मनुष्य यहां पर उपस्थित है, तो उसने प्रहार किया भगवान के ऊपर। और सबसे पहला प्रहार क्या था, वह बवंडर मचाने लगी, धूल मिट्टी का जो बवंडर मचता है। तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही उस बवंडर के कारण ताटका को देख नहीं पा रहे थे। तो भगवान ने सोचा कि अभी देखो, मेरी ही शक्ति का नाम माया है और ये मेरे ऊपर ही माया का प्रयोग कर रही है। तो भगवान ने एक बाण चलाया और वह सारे बवंडर को समाप्त कर दिया। जब ताटका ने देखा कि इनका कोई मायावी अस्त्र इन पर कार्य नहीं करता है, तो बहुत सारे पत्थर फेंकने लगी। भगवान ने एक से अनेक बाण होने वाले बाण का प्रयोग किया और उन सारे प्रहारों को नष्ट कर दिया। तब ये बहुत जोर से गर्जना करने लगी और इतनी भारी गर्जना कर रही थी, फिर भी भगवान उसे मार नहीं रहे देखे। तो विश्वामित्र जी समझ गए कि राम इसे क्यों नहीं मार रहे। तब विश्वामित्र जी राम को एक नीति सिखाते हैं, कहते कि राम तुम ये मत सोचो कि ये स्त्री है इसलिए इसका वध नहीं करेंगे। देखिए, स्त्री भी जब अधर्म के पक्ष में है, जब उनके अंदर लोकहित की कोई कामना नहीं है, केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हत्या करती है, ऐसी स्त्रियों का वध कर देना ही उचित है। और विश्वामित्र जी ने कहीं दो चार प्रमाण भी दिए कि किस प्रकार से इंद्र ने, या फिर और भी कई ऐसे प्रसंग थे जिसमें स्त्रियों को मारना उचित था और उन स्त्रियों का वध किया गया था, देवताओं के द्वारा या पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा। तो वो सारे प्रसंग का उदाहरण देते हुए विश्वामित्र जी कहने लगे कि इसका वध करने में कोई अधर्म नहीं है। तुम ये मत सोचो कि ये केवल स्त्री है, एक अबला है, ये राक्षसी है, इसके पास बहुत मायावी शक्ति है और जिसके कारण ये अबला सबला हो गई है, इसलिए इसको मार देना ही सबसे श्रेयकर है। तो मेरा यह विचार है कि तुम इसका वध कर दो। तो विश्वामित्र जी ने जब भगवान राम से कहा कि इन्हें स्त्री जानकर इन पर दया करना उचित नहीं है, तो भगवान राम ने भी अपने मन में संकल्प लिया ताटका के वध करने का। गोस्वामी जी कहते हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी ते ही निज पद दीन्हा, दीन जानी ते ही निज पद दीन्हा, एक ही बाण प्राण हरि लीना। भगवान राम ने एक ऐसा बाण चलाया कि एक ही बाण में ताटका के प्राण हरण कर लिए। देखिए, भगवान जब किसी को मारते हैं तो वास्तव में उसको मारते नहीं है, लेकिन उसको तार देते हैं। तो यहां पर भगवान ने सोचा कि यह बेचारी स्त्री है, अपने कुकर्मों के कारण ये राक्षसी हो चुकी है, और भगवान के हाथ से जो भी मरता है उसको कम से कम सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और इसलिए भगवान ने उसे अपना चरण प्रदान किया। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने अपने मन में ये तो जान लिया था
कि जिस भगवान के अवतार के विषय में मैं सोच रहा था, जान रहा था, मुझे लगता था कि ये भगवान है, आज निश्चय हो गया कि यही भगवान है। अपने प्रभु को पहचान गए विश्वामित्र जी, फिर भी उन लीलाओं को पूर्ण करने के लिए विश्वामित्र जी ने उन्हें कुछ विद्याएं प्रदान की। पहले भी कुछ विद्या दी थी, अब और कुछ विद्या प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि उसको भूख प्यास न लगे, शरीर में कभी थकान का अनुभव न हो, शरीर कभी रोगी न हो, जब वो सो रहे हो तब उस पर कोई आक्रमण न कर सके। तो ये जो सारी विद्या है उसको बला और अति बला कहते हैं। तो ये बला और अति बला नामक विद्या विश्वामित्र जी ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को प्रदान की। तब प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। जब आगे बढ़ते हुए ताड़का वन को जैसे पार करते हैं, वहां से वह सिद्धाश्रम पहुंचते हैं। और यह सिद्धाश्रम क्या है? जहां पर पूर्व के समय में भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि भगवान ने यह तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान को पवित्र मानकर अब मेरे जैसे ऋषि मुनि यहां पर निवास करते हैं और अपने चरम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम सिद्धाश्रम है। अब मैं यहां पर 10 दिन के लिए यज्ञ करूंगा और उन 10 दिनों में तुम्हें इस यज्ञ की रक्षा करनी है। तो विश्वामित्र जी दीक्षा लेकर यज्ञ करने के लिए बैठ गए। अब भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों यज्ञ की रक्षा करते हैं। 6 दिन और 6 रात व्यतीत हो चुकी है, अभी तक कोई असुर नहीं आया। 7वें दिन भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि लखन, अब हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्यों? मुझे संदेह हो रहा है कि अब वह असुर आक्रमण करेंगे। तो 7वें दिन की रात को भगवान ने देखा कि सिद्धाश्रम के आसपास की जो भूमि है उसमें खून दिखने लगा। तब भगवान को समझ में आ गया कि असुरों ने आक्रमण कर दिया है। भगवान ने मानव अस्त्र का प्रयोग किया और मानव अस्त्र का प्रयोग किया मारीच नाम का जो असुर था उसके ऊपर। मानव अस्त्र का अर्थ होता है एक ऐसा अस्त्र है जिसको मारने से मनुष्य की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वह अशक्त होकर कहीं दूर जाकर गिरता है। तो भगवान ने जैसे इस अस्त्र का प्रयोग किया, ये मारीच जो था ये 400 योजन दूर जाकर समुद्र में गिरा और वहां गिरा, वहां से फिर वो लंका लौट गया, फिर वापस कभी भारत नहीं आया। तो मारीच को तो भगवान ने भेज दिया। दूसरा उनका जो भाई था जिसका नाम था सुबाहु, सुबाहु के ऊपर भगवान ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया और सुबाहु का वध कर दिया। और लक्ष्मण जी ने इन दोनों असुरों के साथ जितनी भी सेना थी इन सारी सेनाओं का विनाश कर दिया। और इस प्रकार से विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। शेष 3 दिनों में विश्वामित्र जी ने उस यज्ञ को संपन्न किया और यज्ञ जब सफल हो गया तब विश्वामित्र जी ने अनेक कथाओं के द्वारा भगवान राम को और आनंद प्रदान किया। यहां पर एक प्रश्न ये हो सकता है कि भगवान ने सुबाहु को मार दिया लेकिन मारीच को जीवित छोड़ दिया, इसका क्या कारण है? क्योंकि भगवान जानते थे कि आगे चलकर लीला में ये मारीच की आवश्यकता पड़ेगी सीता जी के हरण के समय, इसलिए इसको अभी नहीं मारना है, इसलिए भगवान ने उसको लंका भेज दिया वापस और यहां सुबाहु का वध कर दिया। तो विश्वामित्र जी अब भगवान राम को कहते हैं कि 10 दिन का कहके मैं महाराज दशरथ से तुम्हें मांग कर लाया था, आज यज्ञ तो परिपूर्ण हो चुका है और तुम्हारे अयोध्या लौटने का समय भी आ गया है, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है। क्या इच्छा है? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा,
हरषि चले मुनि बर के साथा, धनुष यज्ञ सुनि रघु कुल नाथा। हरषि चले मुनि बर के साथा। उसके बाद विश्वामित्र जी कहते, यहां से कुछ दूरी पर मिथिला नामक एक नगरी है और वहां पर एक बहुत सुंदर धनुष यज्ञ होने जा रहा है, तो मेरी ये इच्छा है कि आप दोनों मेरे साथ चलो और धनुष यज्ञ में एक महान धनुष है उनका आप दर्शन करो, और उनके दर्शन करने के पश्चात आप अयोध्या वापस लौट जाना। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा। तो दोनों विश्वामित्र जी के साथ सिद्धाश्रम से जनकपुर की ओर, मिथिला की ओर निकल पड़ते हैं, और वहां पर जो साधु थे सन्यासी, उनको कहा कि ये सिद्धाश्रम अब तुम्हारा है, तुम यहां पर इसका ध्यान रखो, मैं इन दोनों कुमारों को धनुष यज्ञ का दर्शन करने के पश्चात ही यहां वापस तो नहीं आने वाला हूं, लेकिन मैं हिमालय की ओर अग्रसर हो जाऊंगा, और आप लोग चाहते हैं तो यहां रहिए और भजन साधन करिए। तो इस प्रकार से अन्य जो ऋषि थे उनको ये आश्रम सौंपकर विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी के साथ वहां से मिथिला की ओर अग्रसर हो गए। अब मिथिला की ओर अग्रसर होते हुए बीच में कई ऐसे स्थान आए जिनके विषय में विश्वामित्र जी ने बहुत विस्तार से भगवान राम को वर्णन किया, तो उन कथाओं को हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।